कोरिया जिले के नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में कांग्रेस समर्पित पार्षदों और कोरिया कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना 19 माह से परिषद की बैठक न कराने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने को किया गया। बता दें कि नगर पालिका बैकुंठपुर उपाध्यक्ष आशीष यादव ने कहा कि नगर पालिका परिषद में मनमानी चल रही है और यहाँ पर 19 महीने से पार्षदों की बैठक नहीं हुई। वार्ड पार्षद संजय जायसवाल ने कहा कि नगर पालिका परिषद के बंद होने के बाद नगर पालिका इंजीनियरों के द्वारा अपने ठेकेदारों के द्वारा जमा निविदा में छेड़छाड़ करने को अपने पसंद के ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है। पार्षद संजय जायसवाल ने कहा कि परिषद की बैठक नहीं होने के कारण कितने लोगों का वृद्धा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मृत्यु के उपरांत मिलने वाली राशि, इन सब कार्य अटके हुए हैं। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने परिषद की बैठक न होने की बात की गई तो और उनके द्वारा भी कॉल करके सीएमओ को समझाइश दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अब 23 अक्टूबर को परिषद की बैठक होना तय हुआ है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो टेंडर में हेराफेरी हो रहे हैं, प्रस्ताव भेजा जाता है पार्षदों से बिना जानकारी के, पार्षदों से यह तक नहीं पूछा जाता कि आपके वार्ड का कौन सा काम भेजना है, अपनी मर्जी से प्रस्ताव भेज देते हैं और टेंडर कराकर कार्य को बिना परिषद के स्वीकृति दे दिया जाता है। ये देखिए, पिछले कुछ दिनों पूर्व ये जानकारी मिली कि नगर पालिका कार्यालय के बंद होने के बाद भी नगर पालिका इंजीनियरों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा जो निविदा प्रपत्र डाले गए हैं उनमें छेड़छाड़ करते हुए अपने चहेते, जिनसे उनकी पार्टनरशिप ही चलती है, उन ठेकेदारों को कार्य दिया जा रहा है। मेरे को लगता है कि बैकुंठपुर नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का पहला नगर पालिका होगा कि पिछले 17 महीनों से बैठक परिषद की नहीं बुलाई गई है, जिसमें कई बच्चों के, बच्चियों के जाति प्रमाण पत्र, कितने वृद्धजनों के पेंशन, कितनी महिलाओं के, माताओं के, जिनके यहाँ मृत्यु हो जाती है, 20,000 रुपये आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन इस नगर पालिका की परिषद बैठक न होने की वजह से वो इस योजना से या सहयोग से वो वंचित रह जा रहा है।